क्या करेंगे श्याम जी? अब से आपकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे। आप उनको जाकर दे दीजिएगा, उसके बाद आपको वहां पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं। अरे परमेश्वरी, का सोच रही हो? एक तरफ कुआ है और एक तरफ साक्षात नंद किशोर बैठे हैं। अब हुआ नरक में जई हो कि यहां श्याम बबुआ से मदद ली हो? बस एक बार कह दीजिए खुशी जी, हम आपको पैसे देंगे। खुशी जी, आप परेशान दिख रही हैं, पर हम तो आपके लिए फैसला कर चुके हैं। हम कल तक 1,00,000 रुपयों का इंतजाम कर लेंगे और फिर आपको उन रायजादों के घर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और सच पूछेगा तो हम चाहते भी नहीं कि आप वहां जाएं। आज तक जब भी वहां आप गई हैं, आपके हाथ सिर्फ परेशानियां ही आई। फिर क्यों? हमारे हिसाब से आपको उस घर में जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप वहां चली गई खुशी जी, तो आपसे और रानी साहबा से हमें छुपाने में बहुत दिक्कत होगी। अच्छा, चलते हैं। नंद किशोर, श्याम जी, बड़ा ही धोखेबाज है ये पैर, अब बार बार लड़खड़ा जाता है। खुशी जी, शायद आप अब भी हमें अपना दोस्त नहीं मानती, पर हमें तो ये परिवार अपना लगता है। पर हम ये भी जानते हैं कि जिंदगी में पैसों की क्या कीमत होती है। खुशी जी, एक बार हमारे इस सुझाव को मना करने से पहले जरूर सोचेगा कि अगर आपका कोई अपना आपकी मदद कर रहा होता, तब भी आप उसको ऐसे मना कर देते? आज हम आपकी मदद कर रहे हैं, कल को हमें भी जरूरत पड़ सकती है, और हम जानते हैं कि तब आप हमारी मदद करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। खुशी जी, अगर आपको तकलीफ होती है तो साथ ही साथ उसका दर्द आपकी जीजी और बुआ जी को भी तो होगा ना। जरा सोचिएगा इस बारे में। अच्छा खुशी जी, अब हम चलते हैं। बबुआ, काम के लिए जा रहे हैं बुआ जी, पर मन तो यहीं लगा रहेगा। जब खुशी छोटे के सामने होती है तो छोटे कुछ नहीं कहते। खुशी इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगी। थी, थी। खुद ही अपन हाथ से अपन पत्ता काट लिए, हम बहुत ही खुश है ही बात की। अगर लावण्या नानी की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी तो नानी लावण्या को घर से निकाल देंगी, और फिर छोटे भी घर से, और साथ में आकाश बिटुआ के मैरिज का हमारा ड्रीम। बेरी बेरी सारी ब्रह्मचारी, हेलो हाय पर। नहीं नहीं, ड्राइवर गाड़ी रिवर्स यालो, एको खुशी के मनाए का पड़ी। हाँ, रुपीत से इमोशन से चाहे जैसे भी हो, वो का मनाए का पड़ी। नहीं मामी, अब हम वहां नहीं जाएंगे। हमने जो कहना था हमने कह दिया, अब
हो सकता है कि खुशी जी अपना फैसला बदल दे। हेलो, हाय, बाय बाय, अब क्या हुई? आपने एएसआर ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आपको एआर कंपनी को 1,00,000 रुपए देने हैं। हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे, आप वहां जाकर दे दीजिए। और वैसे तुम जैसे लोग तो पैसों के लिए 1,00,000 रुपए देंगे। हम आपको 1,00,000 रुपए देंगे, तुम जैसे लोग तो पैसों के लिए। दुकान गिर रही थी और तो रहे बाबूजी पैसा नहीं चुका पाए। देवी मैया, हम अरे आप तो खुशी जी की मजबूरी का फायदा उठा रही। हम ऐसा नहीं चाहते थे, हमें तो लगा कि हम खुशी जी की मदद कर रहे हैं। रानी साहिबा प्लीज, अब ये कौन सा तरीका हुआ मदद करने का? बल्कि आप तो उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो आपकी मदद कर सके। अब ये तो सरासर खुदगर्जी हुई ना। हम जो भी कर रहे हैं अपने भाई के लिए कर रहे हैं। आपको जो समझना है आप समझिए। रानी साहिबा हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। अच्छा चलिए 2 मिनट के लिए खुशी जी के नजरिए को छोड़ देते हैं। साले साहब और खुशी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उनका इस घर में आना आपको ठीक लगता है? एक तरफ आप पूरी रात यहाँ जगकर रक्षाबंधन के लिए अपने भाई के लिए ये लड्डू बना रही हैं और दूसरी तरफ आप उसी लड़की को घर बुला रही जिनको देखकर साले साहब एकदम भड़क जाते हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए रानी साहिबा। हमें माफ कर दीजिए, हम जो कर रहे हैं उससे आप सहमत नहीं, पर इस बार हालात कुछ ऐसे हैं कि हम अपनी सोच नहीं बदल सकते। हमें छोटे के लिए ये करना ही होगा। मिस कश्यप, ये लड्डू नहीं मार्डन आर्ट लागत है। ई सासू माँ देखी तो पता है का कहीं कितने लड्डू थे। तुम ही तो टाइटल वादी हो ना, गब्बर सिंह उहे का डायलॉग है। कितने लड्डू बने? 1 दी, ये लड्डू मेकिंग कितना मैसी है, मेरे हाथ कितने गंदे हो गए। मैं हैंड वॉश करके आऊं? कौनो काम ठीक से नहीं करते है। अंजलि बिटिया, आज तक मिस कश्यप एक बात भी ऐसा नहीं किए है जो हमका ठीक लागत है। एक तरफ ई है और दूसरी तरफ वो खुशी जो गलती में किया काम भी ठीक करते है। आजकल फटी साड़ी फैशन में है ना, हुआ है छोटे को जो ऐसन लड़की को पसंद किए जो अंदर से बिल्कुल ही खोखली है। हम देखकर आवते कहीं रसोई माँ कौनो गलती तो ना कर रहे थे मिस कश्यप। हेलो, हाय, बाय बाय।